खादी ग्राम उद्योग आयोग की ओर से कुम्हार कारागिरों को उपयोगी साहित्य वितरण समारोह का आयोजन ग्रामोदय संघ सभागृह भद्रावती में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महान स्मृति के तैलचित्र को पुष्पमाला अर्पण कर की गई। तत्पश्चात मौन रख वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में लाभार्थियों को मधुमक्खी पेटियां मंजूर की गई। समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, ग्रामोदय संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह, भद्रावती के तहसीलदार महेश शीतोले, वरोरा विधानसभा प्रमुख विजय राउत, भाजपा नेता चंद्रकांत गुंडावार, भाजपा जिला महासचिव राहुल सराफ, पंचायत समिति सभापति विद्या कामले, सीपी कापसे, नरेंद्र जीवतोड़े, प्रवीण सातपुते, नगर सेवक प्रकाशांत डाखरे, अंकुश आगलावे, संजय वासेकर, किशोर गोवारदीपे, पूर्व नगराध्यक्ष सुनील नामोजवार, शेख जुम्मन रिजवी, अरुण पाठक, महेश टोंगे, विजय श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने इस समय कहा कि केंद्र और राज्य सरकार रोजगार निर्मित के लिए काफी प्रयास कर रही है। सरकार ने कौशल्य विकास और कृषि पूरक व्यवसायों को बढ़ावा देने कई योजनाएं शुरू की। अब इनका असर दिखाई देने लगा है। विभिन्न व्यवसायियों के कारागिरों को प्रोत्साहन मिल रहा है। भद्रावती के ग्रामोदय संघ के सभागृह में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से कुम्हार कारागिरों को उपयोगी बिजली पर आधारित पहिया, ब्लेंडर मशीन, पंग मिल मशीन वितरित की गई। इस मौके पर उन्होंने यह बात कही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अहीर ने बताया कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घटकों को 90% तथा अन्य पिछड़ा वर्गीय लाभार्थियों को 80% अनुदान पर मधुमक्खी की पेटियां देती है। इसका लाभ बड़े पैमाने पर लेकर उन्नति करे। कुम्हार कारागिरों का सशक्तिकरण सरकार की नीति है। इससे जुड़ा यह कार्यक्रम होने की जानकारी उन्होंने दी। इलेक्ट्रिक पहिया, 240 मधुमक्खी किट का 25 लाभार्थियों एवं अन्य लाभार्थियों को सामग्री वितरण अहीर के हाथों किया गया। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में प्रयास शुरू है। युवक उद्योग व्यवसाय को अपनाए, परंपरागत व्यवसाय को पुनर्जीवित करे। इसके चलते लोहार, सुतार, चर्मकार, कुम्हार आदि इसके लिए आगे आना चाहिए। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारी समाज हित दृष्टिपथ में रखकर रोजगार अभिमुख व्यवस्था निर्माण करने में पहल कर रहे हैं। एक माफी मांगना चाहते हैं। आज सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले कश्मीर के पुलवामा में अवंतीपुरा में एक दुखद घटना हुई, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के लगभग 46 जवान शहीद हो गए। पूरा देश सदमे में है, लेकिन काम करने हैं। और आप सब जानते हैं, हमारे लाडले सांसद श्रीमान हंसराज भैया ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो उनकी सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आज हम ये कार्यक्रम बहुत सादगी से मना रहे हैं, तो कोई यहाँ पे स्वागत और किसी तरह का सत्कार ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप सभी का इसमें सहयोग होगा, मैं आशा करता हूँ। आप सभी को याद होगा, 18 नवंबर 2018 इसी प्रांगण में एक मेड़ावा हुआ था। उसमें हमारे कुम्हार कारीगर बंधु और कुछ मधमाशी पालन करने वाले शिल्पकारी बंधु उपस्थित हुए। मैं समझता हूँ कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, उसके इतिहास में, ग्रामोद्योग संघ के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। भैया ने प्रयास किए, दिल्ली में खादी ग्रामोद्योग आयोग का ऑफिस मुंबई में, और वहाँ के चेयरमैन साहब ने हमारी बात को रखते हुए एक हमसे यादि मांगी कि भाई आपके एरिया में जो भी लोग कारीगर हैं उनकी हमें यादि दीजिए और उनका हम सहयोग करेंगे। यादि बनी, उस दिन सभी लोग आए यहाँ पे, करीब 240 कुम्हार लोगों की यादि बनी और 220 हमारे वनवासी वालों की यादि बनी। वो बाद में तैयार हुई, लेकिन तुम्हारी काम कारीगरों की यादि जो है वो लाइन में लगी
और यहाँ पे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के एक निदेशालय है, संचालन है, संचालनालय है, जिसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसके तहत ये कुम्हारी उद्योग आता है अपना। तो उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सह संचालक श्रीमान विराजिया जी बैठे हुए हैं, उनका इस कार्यक्रम में इस योजना को मंजूर कराने में बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह हमारा उसी तरह मंडल कार्यालय नागपुर में है खादी और ग्रामोद्योग आयोग का, वहाँ के डायरेक्टर साहब अभी कुछ देर में पहुंच रहे हैं, श्रीमान आशीष जी आगे आगे कार्यालय में स्वागत है। प्रधानमंत्री मंत्र प्रमाणे या देशाची आम्हाला गरिबी संपवायची आहे, बेरोजगारी कमी करायची आहे, ग्रामीण भागामध्ये जे श्रमिक आहे विनंती आहे वर्ग जो शेतकरी शेतमजूर आणि ग्रामीण त्यांच्या कुटुंबात मधल्या तरुणांना पण रोजगार आणि त्याकरता जोडधंदे आणि सोबत जे कौशल्य कुशलता आहे कारागिरी आहे जे रक्ता रक्तामध्ये असतं कुमार माधव असतील अन्य माधवांच्या संस्कारामध्ये जे आई वडिलांपासून जे फूल येतात जे टेक्निकल ज्ञान असतं ते कुमार माधवांचं एक ज्ञान आहे, त्यांच्या हातामध्ये बापाचं लहान वयापासून निर्माण होते कुशलता तिला आपण जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न आहे आणि त्याचा जो रोजगार प्राप्तीचा सरकारचा खूप मोठा उपक्रम आहे। आता आपण बघितलं असेल ते किती अधिकारी किती हिवाळ्याला बोलत होते, विशेष म्हणजे 56 पासून या ठिकाणी ग्रामोदय संघ चालू आहे, आपण या ठिकाणी स्वर्गीय मेघराजांचं या ठिकाणी आपण स्मरणही केलं, महात्मा गांधींच्या प्रतिमेला माल्यार्पणही केलं आणि या ठिकाणी ग्राम उद्योग जिंकतो तेव्हा महात्मा गांधी अर्थतात आणि त्यांच्या कल्पनेतून साकार करण्याचा निर्धार इथं आले, त्यांनी असे स्थापन केले की दुसरे त्या ठिकाणी एक ट्रेनिंग सेंटर जिथे भारतीय परंपरेला जिवंत ठेवत आहे आणि तीच भावना घेऊन जितेंद्र कुमारजी बोलले, तीच भावना घेऊन दिनेशजी बोलले आणि गोडेजीने अजूनही आपलं चित्त सोडले नाही आणि सन्मान्य कापसेजी मला याच्या दोनशीला स्वतःच्या पोटातून शिवारा वाटला मला आणि इतकी आत्मीतनं बोलले की मला फार आश्चर्य वाटलं की अधिकारी इतके चांगले बोलतात, आपण बोलले तिघे जण आणि पैशाची कमतरता नाही म्हणणार अधिकारी मी घरांना बघितलं की तुम्ही किती कामा पाठवून घ्यायला तयार हा अधिकारी का बोलतो कापसेजी काय इथे इतकी मिळतं आले तर दूध का आले, कारण या देशाचे प्रधानमंत्री हे मनापासून देशाची गरिबी संपवण्याकरता निघालेले आहेत, ज्या दिवशी प्रधानमंत्री म्हणाले की म्हणजे देश की गरिबी और बेरोजगारी कम करणी याचा अर्थ असून ते त्या दिवशी ते बोलले की स्किल इंडिया स्किल डेव्हलपमेंट आणि मेक इन इंडिया आणि मला या ठिकाणी इतका आनंद आहे की हा पहिल्यांदा या ठिकाणी आलोच आहे, म्हणजे आपण कुमार मुलांसाठी ट्रेनिंग सेंटर घेण्या ट्रेनिंग देण्याकरता बोलावलं होतं गेल्या 3-4 महिन्यांमध्ये आणि गती किती आहे आमच्या ऑफिसमधून आम्ही सहसा पाठपुरावा ठेवला आणि या ठिकाणी अधिकारी म्हणून मी गिरेशजींना कापूजींना धन्यवाद देईन की आपण ह्या चालना दिली आहे आमचं ऐकलं आणि जंप करून आमच्याकरता या मशिनरी इथं पाठवल्या अन्य ठिकाणचं काम थांबून आणि विशेष म्हणजे एकदमच घाईघाईमध्ये माझं मधुमक्ती पेटी पण पडलं म्हणून बोलवलं